Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे के देघाट पहुँचे भाजपा नेता गिरीश कोटनाला। देघाट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत व देघाट बाजार में सभी व्यापारियों से की मुलाकात, पार्टी कार्यकर्ताओं से की बैठक। वहीं उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। कोटनाला वही है जो कुछ दिनों पूर्व सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना के गनर द्वारा उनको पिटने का वीडियो वायरल हुआ था। चुनाव नजदीक आ गए, क्या रूपरेखा बनी है आपकी? देखिए, मैं भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पिछले 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मेरी पिछली बार भी पार्टी के असल्ट विधानसभा से दावेदारी थी, इस बार भी मेरी दावेदारी है और इसी दावेदारी में मैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से मिल रहा हूँ। और मैंने एक अभियान चलाया है मरचूला से नागचूला और भीताकोट से गुजरूकोट, तो मतलब पूरे सल्ट में मैं जाऊँगा, हर गांव तक मेरा जाने का कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम में आज मैं देघाट तक आया, लेकिन मुझे यहां पर एक सूचना मिली, मतलब उससे मुझे बड़ा दुखित हुआ कि भाई आज़ादी का 75वां दिवस मनाया जा रहा है और जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, और वो इस यहां पर देघाट के कुछ कार्यकर्ता जो उस लोग उस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं और पता चला कि उसमें व्यवधान किया जा रहा है। हमारे यहाँ के जो सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं उनके फेसबुक के माध्यम से भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि भाई ये कोई कार्यक्रम नहीं है। बहुत ही, मतलब क्या कह सकता हूँ, मतलब ऐसा संदेश अध्यक्ष जी दे रहे हैं जो किसी भी तरह ना तो पार्टी के हित में, ना जनहित में है, ना उन लोगों के जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। अगर उस कार्यक्रम को हम देखें तो हमने वो कार्यक्रम उनके लिए कराया, उसको किसी व्यक्तिगत राजनीति, व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत किसी चीज़ से न जुड़ें। मेरा कहना, हाँ जी, आगामी चुनाव को लेकर क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए, आगामी चुनाव को लेकर मैंने पूरे लगभग पूरा विधानसभा का लगभग 70% हिस्सा भ्रमण कर लिया है और सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिलता ही रहता हूँ फोन से। सिटिंग विधायक भी यहाँ पे हैं, वो भी देखिए, वो पार्टी का जो पार्टी तय करती है सिटिंग विधायक हैं, मैं मना नहीं कर रहा है, मैंने तो उनके लिए खुद काम करा था, लेकिन मैं पिछले बार भी दावेदार था तब भी मैंने काम करा था, लेकिन मेरी भी स्थिति देखिए, आज मैं ये बांध के चल रहा हूँ। इसका भी देखिए कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह कि पार्टी, मैं अभी पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का जो भी निर्णय होगा मैं पार्टी के साथ हूँ। Audio Jungle.